दिन होगा रविवार का, घड़ी में बज रहे होंगे 3:30। 27 मार्च तारीख होगी और मैदान पर आग लगाने उतरेंगी मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स की टीम। मुंबई इंडियंस वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स, रोहित का दिमाग या ऋषभ की चालाकी, बुमराह की बॉलिंग होगी या फिर दिखेगी कुलदीप यादव की झांकी। तो आइए जान लेते हैं क्या है आज के इस वीडियो में खास। सबसे पहले जानेंगे क्या है दोनों टीमों के आईपीएल रिकॉर्ड्स, यानी कि कौन है किस पर भारी। थोड़ी सी चर्चा करेंगे पिछले सीजन में दोनों टीमों की परफॉर्मेंस की। जानेंगे क्या है दोनों टीमों के स्ट्रेंथ और वीकनेस। और आखिर में हमारी प्लेइंग 11 के बाद आपसे पूछेंगे एक इंटरेस्टिंग सा सवाल, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के क्रिकेट कमेंट बाज। दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस ने अब तक आईपीएल में कुल 30 मैचेस खेले हैं। इनमें 16 बार मुंबई जीती है और 14 मौके ऐसे रहे हैं जब दिल्ली ने मुंबई इंडियंस को पटखनी दी है। हाईएस्ट और लोएस्ट स्कोर की बात करें तो हाईएस्ट स्कोर के मामले में मुंबई का दिल्ली के खिलाफ है 213 और दिल्ली का मुंबई के खिलाफ है 218, जबकि लोएस्ट स्कोर के मामले में मुंबई इंडियंस का दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ है 66 और दिल्ली कैपिटल्स का मुंबई इंडियंस के खिलाफ लोवेस्ट स्कोर है 92 का। आईपीएल 2021 के रिकॉर्ड्स की बात करें तो दोनों टीमें दो बार आमने सामने थीं और इन दोनों ही मुकाबलों में दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस को मात दी थी। साल 2021 के आईपीएल सीजन में दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस पर 6 विकेट से जीत दर्ज की थी। तो वहीं दूसरे मैच में भी दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया था। खैर, पिछली बार से इस बार में काफी कुछ चेंजेस हो चुके हैं, दोनों टीमों में काफी कुछ हेरफेर हुआ है, कई खिलाड़ी इधर के उधर हुए हैं। ऐसे में आइए एक झलक में देख लेते हैं कि दोनों टीमों का स्क्वाड क्या है। यह है मुंबई इंडियंस का स्क्वाड, जिसमें रोहित शर्मा की अगुवाई में ये खिलाड़ी आपको आईपीएल 2022 में खेलते हुए नजर आएंगे। और यह है दिल्ली कैपिटल्स का स्क्वाड, जिसमें ऋषभ पंत की अगुवाई में ये खिलाड़ी आईपीएल 2022 में खेलेंगे। तो अब बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस की स्ट्रेंथ और वीकनेस की। शुरुआत मुंबई इंडियंस से करते हैं। मुंबई की पहली ताकत है उनके कप्तान रोहित शर्मा। आईपीएल में 130 की स्ट्राइक रेट से 5611 रन, 5-5 आईपीएल ट्रॉफीज। और रोहित शर्मा जब से इंडियन टीम के कप्तान बने हैं तब से अब तक एक भी मैच नहीं हारे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मुंबई इंडियंस की इस स्ट्रेंथ का कोई भी तोड़ नहीं है। अगर रोहित शर्मा इस मैच में 9 चौके लगा लेते हैं तो आईपीएल में 500 चौके लगाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लेंगे। मुंबई इंडियंस की दूसरी ताकत उसकी बैटिंग है। रोहित शर्मा और ईशान किशन मुंबई की बैटिंग डेप्थ में जान डालने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा तिलक वर्मा और डेवाल्ड ब्रेविस, दो स्पेशल टैलेंट, इस बार अंडर 19 वर्ल्ड कप से मुंबई की टीम के साथ जुड़ गए हैं। और हार्ड हिटिंग एबिलिटी वाले प्लेयर्स में करण पोलार्ड, सूर्य कुमार यादव और टिम डेविड इस साल मुंबई के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। इन सब के अलावा मुंबई इंडियंस की तीसरी ताकत उसके वर्ल्ड क्लास बॉलर जसप्रीत बुमराह हैं, जो कि मुंबई बॉलिंग अटैक की धार हैं। तो बात करते हैं मुंबई इंडियंस की वीकनेस की। मुंबई इंडियंस की 2-3 वीकनेस है, जैसे कि इस बार मुंबई इंडियंस के पास अनएक्सपीरियंस्ड बॉलिंग अटैक है। मुंबई इंडियंस के कई खिलाड़ी जो कि पहले उसकी कोर टीम का हिस्सा थे, इस बार उन्हें आईपीएल के 2022 मेगा ऑक्शन में रिटेन नहीं किया जा सका है। इसके अलावा मुंबई इंडियंस की दूसरी वीकनेस है कि उसके पास इस सीजन में क्वालिटी स्पिन अटैक की कमी है। और तीसरी कमी मुंबई इंडियंस की यह है कि सूर्य कुमार यादव शुरुआती मैचों के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे। तो बारी दिल्ली कैपिटल्स की स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझने की। दिल्ली कैपिटल्स की स्ट्रेंथ उसके कप्तान और फिनिशर ऋषभ पंत हैं। पिछले कुछ समय से ऋषभ पंत अपनी क्लास इंडियन क्रिकेट टीम में दिखा रहे हैं और विकेट्स के पीछे भी वो अच्छी विकेट कीपिंग करते हुए नजर आए हैं। ऋषभ पंत अब तक आईपीएल में 35.18 की औसत और 147.64 की स्ट्राइक रेट से 2498 रन बना चुके हैं, जिससे समझा जा सकता है कि वो कितने महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। जरूरत पड़ने पर ऋषभ पंत को पहले भी बल्लेबाजी करने के लिए भेजा जा सकता है।
इसके अलावा दिल्ली कैपिटल्स की दूसरी ताकत उसके पास एक्सपीरियंस्ड बैटिंग ऑर्डर पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर इस बार दिल्ली कैपिटल्स की अगुवाई करते हुए नजर आएंगे। इन दोनों ही खिलाड़ियों के आईपीएल में रिकॉर्ड्स को देखें तो पृथ्वी शॉ 24.64 की औसत और 146.30 की स्ट्राइक रेट से 1305 रन बना चुके हैं, जबकि डेविड वार्नर आईपीएल में 41.59 की औसत और 139.96 की स्ट्राइक रेट से आईपीएल में अब तक कुल 5449 रन बना चुके हैं। कई हार्ड हिटर खिलाड़ी भी दिल्ली कैपिटल्स की टीम में समय मौजूद हैं, जो कि टीम को काफी मजबूत बनाते हैं। हालांकि डेविड वार्नर शुरुआती मैचों में टीम के साथ नहीं रहेंगे, जो कि दिल्ली की एक बड़ी वीकनेस है। इसके अलावा दिल्ली कैपिटल्स की दूसरी वीकनेस में मिशेल मार्श जैसा खिलाड़ी भी उनके साथ शुरुआती मैचों के लिए उपलब्ध नहीं होगा। साथ ही दिल्ली कैपिटल्स के सामने एक बड़ा चैलेंज एनरिक नोकिया की इंजरी है, जो कि दिल्ली कैपिटल्स की फास्ट बॉलिंग का प्रोमिनेंट प्लेयर है, ये भी दिल्ली कैपिटल्स के साथ नहीं जुड़ पाएगा। तो अब बारी है हमारी प्लेइंग 11 की। हमारे हिसाब से मुंबई इंडियंस टीम के लिए ये खिलाड़ी मुंबई इंडियंस के पहले मैच में प्लेइंग 11 का हिस्सा हो सकते हैं, जबकि ये खिलाड़ी दिल्ली कैपिटल्स के लिए पहले मैच में प्लेइंग 11 का हिस्सा बन सकते हैं। तो बारी है आपसे सवाल पूछने की। आपको क्या लगता है मुंबई इंडियंस वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के इस मैच में कौन सी टीम कितने रन या फिर लगभग कितने विकेट से इस मैच को जीतने वाली है? इसके बारे में हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इस सवाल का सही जवाब दे करके आप हमारे अगले वीडियो के क्रिकेट कमेंटबाज बन सकते हैं।